हमारा ATF B15 है, फोरक्लिफ्ट है डेटन की, टोयोटा की। इसका जो हॉर्न है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जैसे देखिए ऐसे काम नहीं कर रहा है, बट जब इसको हम स्टीयरिंग टर्न कर रहे हैं तो ये काम कर रहा है, फिर देखिए काम नहीं कर रहा है। तो इसका हम प्रॉपर सोल्यूशन आपको बताते हैं, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम इसमें है। सबसे पहले हमें ये ओपन करना है, ये निकालना है, ठीक है, और इस चक नट को खोलना है। इसके अंदर कॉन्टैक्ट, इसका स्टीयरिंग का कॉन्टैक्ट पिन लगा होता है, जो हॉर्न के लिए टच होती है, ये पिन आपको दिख रहा होगा, ये टच होती है टर्निंग पे तो साउंड आती है। तो चलिए इसको ओपन करके हम दिखाते हैं, खोल, ठीक है। अब इसको ऐसे हम खींचेंगे, ठीक है, और नहीं निकलता तो हल्का सा इस पर हैमरिंग कर देंगे साइड साइड से। हल्के कपड़े लगा के हमें निकल देना है, देखिए निकल गया, ठीक है। ये इसका कॉन्टैक्ट पिन है, ये देखिए ये कॉन्टैक्ट पिन हो गया ख़राब, ठीक है, ये क्योंकि ये दोनों एक देखिए एक छोटा हो गया, एक बराबर हो गया, एक छोटा एक बड़ा है, जो कि इसलिए काम नहीं कर रहा है। इसका काम जो होता है इन दोनों को एक साथ अटैच करने का, देखिए एक साथ अटैच होंगे बराबर से, तो देखिए हॉर्न बज रहा है, ठीक है, ये जो कि इस प्लेट पे घिसते हैं टर्निंग पे, तो क्या होता है जब बराबर नहीं होगा तो इस पर एक टच होगा एक टच नहीं होगा, और जहाँ पे दोनों इस पर टच होंगे वो हॉर्न काम करेगा, और जहाँ पे एक साथ दोनों टच नहीं होंगे तो हॉर्न काम नहीं करेगा। तो यही छोटा बड़ा है, इसको हम कॉन्टैक्ट पिन जो है इसको हम चेंज करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। और ये इसके लिए फिर चार ये स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है, इनको निकाल के हमें इसको रिमूव कर लेना होता है, ठीक है। और उसके बाद से ये हमारा चार होता है, ठीक है, कनेक्टर, इन चारों कनेक्टर को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, इन चारों को हम रिमूव करते हैं, फिर इसको हम निकालेंगे। उसके बाद से इसको निकालना होता है, ठीक है, किसी पतले पिन से इसको करके पुश करके निकाल देंगे, जो कि निकालने के लिए एक पतला स्क्रू ड्राइव लेते हैं, यहाँ पुश करके और इसको खींच देते हैं, तो ऐसे बाहर आ जाता है जो स्प्रिंग होती है। देखिए तीन स्क्रू होते हैं, ठीक है, एक दो और ये तीन, इनको हम खोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने ये तीनों स्क्रू खोल दिया है, और ये पूरा असेंबली हमारा स्टीयरिंग का रिमूव है बाहर, ठीक है, ये स्टीयरिंग का प्लेट है, अब इसको हम रिमूव करेंगे, इसके पीछे आपका कॉन्टैक्ट पिन निकलेगा, रुक जाओ, बिल्कुल, ठीक है, ये तीन स्क्रू हैं, इनको हम रिमूव कर देते हैं। और ये हमारा स्टीयरिंग का निकल गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे दोनों कॉन्टैक्ट पिन लगे होते हैं, इसको रिमूव करके यहाँ लगाएंगे हम। ये देखिए हमने इनको खोल रखा है और इनको हमने हटा दिया, ये हमारे दोनों निकल गए, ठीक है, ये स्प्रिंग के साथ अटैच होते हैं। अब देखिए ये हमारे पुराने वाले हैं, ठीक है, जो देखिए एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, इसलिए प्रॉपर ये टच नहीं हो रहा था और ना ही प्रॉपर काम कर रहे थे, तो इसके लिए हमने नया मंगा रखा है, और ये हमारे नए हैं, ठीक है, हमने नए कॉन्टैक्ट पिन मंगा रखे हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। इनको लगाने का क्या है, देखिए ये दोनों छोटे हैं दोनों बराबर हैं, तो इसकी प्रॉब्लम होती है, तो हम चेक। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, और अगर आपके पास कॉन्टैक्ट पिन ना हो तो जो कॉन्टैक्ट पिन अपने पास है जो ख़राब निकला हुआ है, इसके लेवल से कोई ऐसा मतलब स्क्रू ड्राइव ढूंढो आप जो इसका हेड दोनों सेम हो, और ऊपर का है थोड़ा सा इतनी थिकनेस में मोटा हो, और इसके लेवल काट के, ठीक है, इसके लेवल से काट के आप और उसको वैसे फिट कर दे जैसे हमने कॉन्टैक्ट पिन फिट किया है, तो भी आपका हॉर्न काम करेगा, और बाद में आप रिक्वायरमेंट करके मंगा लेंगे, तो आपका ये होगा टेम्प्रोरी, आपका काम रुकेगा नहीं, आपका काम चल जाएगा। थैंक यू।
तो ये हम चेक लगाते हैं, जो कि ये स्प्रिंग के साथ लगाना है, दोनों स्प्रिंग लगा देनी है। और क्या करना है अंदर इसके डाल देना है, ठीक है। और ये स्प्रिंग को इसके अंदर लगा देना है, और इनको इसके ऊपर ऐसे रख के, ये देखिए हमने इसको फिट कर दिया है। और ये देखिए पूरी असेंबल हो गई है, क्योंकि ये दोनों पिन देखिए अब एक बराबर दिख रहा होगा आपको, और दोनों पुश होती है, एक साथ ही पुश होते हैं, कंटिन्यूटी का ही काम करती है एक तरह से। तो चलिए लगाते हैं और दिखाते हैं आपको। चलिए बराबर फिट हो गया, ये देखिए लगाते हैं बटन, ये देखिए बैठ गया, ये फिट हो गया। और ये देखिए ये हॉर्न का वायर है, ठीक है, जो हॉर्न में सप्लाई आती है। अभी देखिए इसको हमने निकाल दिया तो सप्लाई नहीं आएगी, ठीक है, नहीं बजेगा। देखिए हमने लगा दिया सप्लाई, ये देखिए को ऐसे भी चेक कर सकते हैं तीनों पिन पे लगा के, देखिए ऑन बज रही है। और ये अभी देखिए हमने लगा दिया है, और अब देखिए इसको पुश करके हम किसी साइड मूव करेंगे, तो अभी आपने देख लिया कि हॉर्न अगर प्रॉपर काम ना करे तो क्या सोल्यूशन उसका है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।